नमस्कार, हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय के जस्ट अपोजिट साइड में। आपको बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं युवा जदयू के जिलाध्यक्ष सोहन राम उर्फ अनिल राम जी, जो कि वर्तमान मद्रा पाली में ये मुखिया भी हैं वर्तमान में। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर युवा जदयू की तरफ से प्रभार दिया गया है कुछ लोगों को, जिनको युवा जो अध्यक्ष हैं जिला का, उन्होंने स्वागत किया है, फूल मालाओं के साथ मुँह मीठा कराया है। हम जानते हैं कि जो प्रभार जिनको दिया गया है वो कौन है, उन्हीं की जवानी हम जानेंगे कि क्या क्या प्रभार आज जदयू पार्टी की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके माध्यम से सुन रहे सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम है। आज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और हम लोग के युवा के प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट नीतीश पटेल जी के निर्देश पर सिवान लोकसभा के जो चुनाव हो रहा है उसमें युवा जेडीयू के तरफ से, प्रदेश युवा जेडीयू के तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसमें एक प्रभारी हैं हमारे भाई हैं प्रिंस सिंह जी जो लोकसभा के प्रभारी हुए हैं, और एक हैं श्री भगवान यादव जी, ये भी हुए हैं, और हमारे परम मित्र हैं पप्पू पटेल जी, ये भी प्रभारी हुए हैं, और एक रिजवी जी हैं वो भी हुए हैं, अविनाश पटेल मंटू सिंह भी हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर मिल कर के एक रणनीति, यहाँ तैयारी हम लोग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि जो भी हम लोग का एनडीए का कैंडिडेट हैं जेडीयू समर्थित विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, उनको किस रणनीति के हिसाब से ज़्यादा मत से जिताया जाए, उस तरह का हम लोग रणनीति अपना रहे हैं। और निश्चित ही आशा है, विश्वास है कि इस बार जो देश में माहौल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करना है, इसके लिए हम लोग पूरे मजबूती से युवा जेडीयू बूथ स्तर पर पूरा मजबूती से हम लोग तैयार हैं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। जो आप लोग बैठक कर रहे हैं, प्रभार दिया जा रहा है, क्या लगता है इस बार भी सिवान सीट आप लोग को आ रहा है? हमारे लोकसभा चुनाव में विजय लक्ष्मी जी का सीट मिला है। हम लोग हर गांव, हर बसावट में जा कर के हम ही सभी कार्यकर्ता मिल कर के अपने प्रत्याशी महोदय को कदम से कदम मिला करके वोट एकत्रित करके 4 लाख वोट से हम लोग विजयी बनाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। और हम सभी कार्यकर्ता बंधु एकजुट होकर के सभी माताओं और बहनों से, भाई बंधु चाचा चाची से मिलना अपना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, और आने वाले समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बाहों को मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी जी का विकास सरकार बनाएंगे। 400 पार, 400 पार आएगा आपको लगता है? हमको जहाँ तक लगता है कि सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु अगर लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो 15 साल के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे भारत सरकार के महिला शक्तिकरण, युवा को एवं सभी दलित, महादलित, मजदूर जनता सभी को देख रेख में, खाने के लिए उपभोक्ता में अमन चमैन, मान सम्मान जो मिला है वो लोग भूलने योग नहीं है जनता। जैसे कि उस समय में कांग्रेस के जमाने में इतने रोज समय लोग दे दिए। कुल मिलाकर आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के कामों से जनता खुश है? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। नया प्रभार आज मिला, सबसे पहले आपका स्वागत है। जो जिम्मेदारियां मिला है आपको, क्या कहेंगे जदयू की तरफ से? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है कि आप इस अवसर पाए। देखिए, हमारे कमांडर, जिला के कमांडर
सोहन राम जी हैं जो मदुरा पाली में से पंचायत से दो बार से मुखिया हैं, ये लगातार पार्टी में निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। हम लोग भी इनसे कुछ सीखते हैं। हम लोग एक ही विधानसभा से तीनों भाई हैं, प्रिंस भाई हैं, भगवान जी हैं, हम हैं। हम लोग चेष्टा करेंगे कि हम लोग 6 विधानसभा में घूमकर और जो पार्टी हम लोग को दायित्व दी है उस दायित्व को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की चर्चा करते हुए और नरेंद्र मोदी जी की विकास की चर्चा करते हुए अब की बार 400 पार का जो नारा है उसे सुसफल हम प्राप्त करेंगे, यही हम लोग संकल्पित आज हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू पटेल, जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष है और मीडिया प्रभारी भी है और हमें अभी प्रभारी बनाया गया है लोकसभा का। प्रभारी मिला है उसके हम तत्पर रहकर अपना काम करेंगे और हम अपना प्रदेश अध्यक्ष जी को नीतीश पटेल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं और हमारे अपना सीवान जिले का युवा के जिला अध्यक्ष भाई अनिल राम जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बस इतना कहेंगे। क्या नाम है आपका? श्री भगवान जादव सीवान। बस।